तमाम एन गाड़ी फ्रेंड्स को वागी सोम सिंह आज में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है अपने रूफटॉप गार्डन के ओवरव्यू के हवाले से है। इस वक्त मेरे गाड़ी फ्रेंड्स जुलाई का एंड है। इससे पहले मैंने जुलाई के शुरू में अपने रूफटॉप गार्डन का ओवरव्यू दिया था और आज की जो मेरी वीडियो है एंडिंग जुलाई के अपने गार्डन के रूफटॉप के ओवरव्यू के हवाले से है कि इस वक्त जुलाई के एंडिंग में कौन कौन से मेरे रूफटॉप गार्डन पे फ्लावर्स खिलते नजर आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा अपने गार्डन फ्रेंड्स को शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि मॉनसून रेनी सीजन का मौसम है, बारिशें भी हो रही हैं, क्लाइमेट अब पहले से काफ़ी बेहतर है और जो मेरे रूफटॉप पे जो फ्लावर्स हैं तकरीबन मौसम की मुनासिबत से तमाम ही खिलते नज़र आ रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स ज़रा रूफटॉप का ओवरव्यू। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये मेरे घर में ये दरख्त लगे हुए हैं, इस पे आजकल ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये कनेर के हुए फ्लावर्स हैं और इसमें आजकल बेतहाशा इसमें ये फ्लावर्स आपको ये खिलते नज़र आ रहे हैं। इधर सारे मेरे दूसरे प्लांट्स हैं, ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये ओक्रास हैं, इसमें ये रेड ओक्रास है और पहली तरफ है ये ग्रीन ओक्रास हैं, ओक्रास है मेरे गार्डन फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हैं ये बन रही है, यहाँ भी बन रही होगी मेरे गार्डन फ्रेंड्स। ये देखें साथ की तमाम ओकरा तैयार हो रही है जी। मेरे गार्डन फ्रेंड्स आप जरा आते हैं इस तरफ, ये सारी की सारी विनका की आप कई बार मरतबा दे चुके हुए हैं, ये तो सेप्टेम्बर तक चलेंगे, तो अभी जुलाई का ओवरव्यू है। तमाम के तमाम ये विनका के फ्लावर्स हैं। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये पर्पल हार्ट प्लांट आप देख रहे हैं, पर्पल हार्ट प्लांट पे हेल्थी बुशेस की ग्रोथ जारी है और इसमें आपको ये लाइट पर्पल कलर के इसमें फ्लावर्स हैं, ये बेतहाशा खिलते नजर आ रहे होंगे। पीछे मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये फॉक्सटेल ये फर्न है प्लांट है, इसमें वाइट वाइट कलर के ये फ्लावर्स हैं, ये खिलते नजर आ रहे हैं। बेबी सन रोज पे मेरे गार्डन फ्रेंड्स आप जरा फ्लावर्स का सिलसिला खत्म हो गया हुआ है, आप थोड़ी सी इसके आप देखेंगे आप बाकी इसकी कटिंग्स लगाऊंगा। ये ब्रेड लीफ आप देखें प्लांट है, बहुत ही हेल्थी इसकी ग्रोथ जारी है, नए से नए लीव्स हैं इसमें से निकल रहे हैं। आगे इंशाल्लाह अपने गार्डन फ्रेंड्स पे आप देखें नई से नई ये ब्रांचेस निकल रही हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने गार्डन फ्रेंड्स को मैं इसकी वीडियो शेयर आउट करूंगा कि कैसे इसकी मैंने ये जो कटिंग है आप लगाई जाती है इंशाल्लाह। और ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये सारे के सारे ये सेंटर चेन है ग्रीन लिलीज के हैं, ये येलो मैंने जरा पीछे कर दिए, ये सारे के सारे आपको ये येलो रेन लिलीज पे फ्लावर्स कितने नजर आ रहे हैं। सेंटर में ये वाइट है फ्लावर्स है, ये स्मॉल है डार्क पिंक रेन लिलीज है ये फ्लावर्स, जैसे मेरे गार्डन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ये जो लाइन है ये इस पे ये सारे ये स्मॉल फ्लावर्स खिलेंगे डार्क पिंक के, सब बाकी फ्लावरिंग बेड्स पे हैं। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये ज़फ़ायर लिली है, ये बड़े रंग के हैं फ्लावर्स हैं। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये मिर्चों का बीच में ये फूल हैं, वाइट वाइट खिले हुए हैं, ये बेजल के हैं वाइट फ्लावर्स हैं। मेरे गार्डन फ्रेंड्स इसका जो ड्यूरेशन है ये पहली जो मैंने जितनी भी वीडियो शेयर आउट की हैं ट्यूब रोजेस के हवाले से, अब ये पुरानी फ्लावर स्पाइक्स हैं ये ख़त्म हो रही हैं और नई साथ साथ ये देख रहे हैं आप ये फ्लावरिंग ये स्पाइक है ये निकल रही है। इसके हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर आउट आपको कर दी हुई है कि कैसे इसकी जो कटिंग्स की जाए ताकि नए से नए आप ये ट्यूब रोजेस पे फ्लावरिंग स्पाइक्स दे सके। मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये आप आते हैं ये एग प्लांट्स पे मेरे गार्डन फ्रेंड्स बेतहाशा इसमें ये फ्लावर्स हैं आपको ये खिलते नजर आ रहे हैं। अब और अभी मैंने दो इम्पोर्टेंट वीडियोस दी थी एग प्लांट के हवाले से कि कैसे ये आपके जो फ्लावर्स ना गिरें, एक पहली तो ये है कैसे आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें और दूसरा है इसकी फर्टिलाइजर के हवाले से। और अगर वो मेरे दोस्तों ने अगर वो वीडियोस देखी होगी तो इसी तरह अब
दूसरे प्लांट, पहले तो मेरे मेरे गार्डन प्लांट इस प्लांट पे, जिस पे अभी ये बैंगन आपको ये बंदे नजर आ रहे हैं लगे हुए हैं, आप दूसरे प्लांट्स पे भी मेरे गार्डन प्लांट्स ये देख रहे हैं, ये बैंगन बनने का ये प्रोसेस ये शुरू है। जैसे ये है, इधर मैं अगर कैमरा घुमाऊं तो ये इस पे भी ये बैंगन बनने का सिलसिला शुरू है दूसरे पे भी। और उसके बाद आते हैं मेरे गार्डन प्लांट्स, ये लेमन्स पे है, लेमन्स पे भी ये देखें ये फ्लावर्स हैं साथ साथ बन रहे हैं, फ्लावरिंग ये जैसे हैं ये बर्ड्स निकल रही हैं, और साथ ताकि फ्लावर बर्ड्स अब निकल रही हैं, साथ साथ ये जो लेमन्स हैं ये भी बन रहे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी मेरे गार्डन प्लांट्स ये लेमन्स आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं। आगे इसी तरह ये सिलसिला अभी चलता रहेगा आगे। और इधर आते हैं मेरे गार्डन प्लांट्स, ये भी यहाँ इस बास्केट में भी मेरे पास ये ज़फ़ायर लिलीज़ के हैं, बल्ब्स हैं, इसमें बीच में येलो के भी ये खुद ही निकले हुए हैं। ये मेरे गार्डन प्लांट्स, ये मॉस रोज है जिसे हम टेबल रोज भी कहते हैं, पोशोला का है, देसी मो है मेरे पास। अभी फ्लावर्स सुबह सुबह का वक्त है, फ्लावर्स खिले नहीं हैं, वैसे तो 12 बजे तक खिले रहते हैं। ये भी इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ है और ये भी फ्लावर से भरे रहते हैं। इधर आते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये मिंट का है, मिंट की भी सारे ये ओपन स्पेस में रहा है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ रही है। अब तो थोड़े जो पत्ते हैं इसके पीले पीले आपको नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जितने भी पीले हैं अभी इसकी आगे मैं कटिंग्स बताऊंगा कि किस मौसम में, अभी ये मौसम है इसकी कटिंग का, जब इसमें नए नए लीव्स आने शुरू होंगे इंशाल्लाह। इसकी कटिंग के हवाले से भी मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन टिप्स देना पसंद करूंगा। जैसे अब देख रहे हैं इस पर ये फ्लावर्स भी बने हुए हैं, ये जो मिंट पे है। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये मेरे एलोवेरास हैं, सारे ये ओपन स्पेस में हैं, कोई ग्रीन नेट नहीं है, सारा गर्मी हो हॉट समर में हो रहे हैं, इस वजह से इसके जो ये होते हैं ये हैं, ये आपको ये डार्क ब्राउन ये रेड कलर के नजर आते हैं, ये सारे के सारे हैं गर्मियों की वजह से, टू मच हॉट वाटर में रहे हैं। अब जब क्लाइमेट कुछ बेहतर है तो इसके जो ग्रीन फ्लैश है अब इसमें होना शुरू हो गए हैं, ये सारे के सारे एलोवेरास के प्लांट्स हैं। और दूसरी तरफ मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये बैंगन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं दूसरे मेरे बैंगन हैं, इसमें भी बेतहाशा फ्लावर्स निकले हुए हैं, और इस पर भी मेरे गार्डन फ्रेंड्स अब फ्रूट बनने का इसमें भी सिलसिला शुरू है। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अपने रूफटॉप गार्डन का जुलाई एंडिंग जुलाई में इस पर कौन कौन से मेरे प्लांट्स पे फ्लावर्स हैं, जिसमें समर प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ गया, रेनी प्लांट्स भी आपने देख लिया है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आपने देख लिए हैं, वेजिटेबल प्लांट्स पे भी फ्लावर्स और फ्रूट सब का आपने देख लिए हैं। ये जो टावर है मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये अभी इनकम्प्लीट है, इंशाल्लाह जब होगा तो इस पर भी है मुख्तलिफ सकुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स और सकुलेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज़ फ्रॉम वैगीज होम सिंगार।